गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल विद अनदर व्लॉग। एंड आज मैं जा रहा हूँ पहलगाम। मैं चाहता हूँ कि आप सभी मेरे साथ बने रहें। अभी सबसे पहले मैं तैयार हो रहा हूँ क्योंकि ठंड बाहर बहुत है एंड कल बर्फ भी पड़ चुकी है श्रीनगर में। एंड मैं आपको कोशिश करूँगा कि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि मेरे जैसे बजट में ट्रैवल करना चाहते हो। उसी के चलते हुए मैं इस ब्लॉग को बना रहा हूँ आपके लिए। तो चलिए मैं पहले तैयार हो लेता हूँ। एंड यू कैन सी मैंने अपने सारे कपड़े यहाँ पे इकट्ठे करके रखा हुआ है। एंड आज मैं पहनूंगा फेरन क्योंकि ये आपको सर्दियों से काफ़ी बचाते हैं। एंड इसी के चलते हुए गाइस कपड़े पहन लिया मैंने। अब जुराब पहनूंगा क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं गुलमर्ग गया था तो काफ़ी ठंड थी एंड मैंने लो एंकल शूज़ पहने थे एंड मेरे फटके हाथ में आ गए। तो चलिए अब मैं पहले अपने आप को गर्म रखने के लिए एक डैडी वाला सॉक्स पहनता हूँ। बाहर काफ़ी ठंड है एंड मैं नहीं चाहता कि मैं मुझे ठंड लग जाए इसी के चक्कर में। और मैंने ये जूते खरीदे थे 100 रुपए के बाहर पहनने के लिए श्रीनगर के फुटपाथ संडे मार्केट से। फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ और मैं अब निकलूँगा यहाँ से। एक सेकेंड लाइट खोल के देखता हूँ लाइट है कि नहीं। हाँ चलो अब मैं तैयार हूँ जाने के लिए पहलगाम। और ये है मेरा रूम और आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे मेरे टीवी एंड ऑल्सो मेरे कंप्यूटर ऑफिस के। एंड जब मैं इसको देखता हूँ तो मुझे उम्मीद ऐसा फील होता है जैसे मैं बचपन में जो एक मूवी आती थी ना वीराना, उसकी मुझे याद आती है। मैं अपने रूम से अब निकल रहा हूँ तो चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। काफ़ी गंदा रूम हो रखा है पर कोई बात नहीं, लेट हो चुका हूँ। मैंने आप लोगों को बताऊँ कि मैंने अपनी जो ग्लोव्स है उसको मैंने इस तरह से काट दी ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो क्योंकि इससे अगर आप टच करते अपने कैमरा में तो ये आपको होने नहीं देता। तो मैंने अपने कैंचे से इसके जुगाड़ किए। जो आपका श्रीनगर से जो गुलमर्ग पहलगाम है, सॉरी मैं शायद बीच बीच में आपको गुलमर्ग बोलूँगा क्योंकि मैं गुलमर्ग जाके आया हूँ एंड पहलगाम जुबान में रहता नहीं है। तो वेल कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो श्रीनगर से जो पहलगाम है वो करीब 95 किलोमीटर्स की दूरी पर है एंड बहुत सारे अगेन ऑप्शन है जिस तरह से आप पहलगाम पहुँच सकते हो। तो आप मेरे साथ ब्लॉग बना रहिए एंड मैं आपको सब चीज़ें धीरे धीरे बताऊंगा और मैं चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को स्किप ना करें, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। एंड तब तक मैं आपको बता दूं कि मैं अभी पीऊँगा कहवा इस सुंदर वादियों के। सो एनीवे पहले मुझे चाय पीने दो और मुझे इस ब्यूटीफुल नज़ारे का मज़ा लेने दो। शायद आप सब भी होते तो आप लोगों को भी चाय पिलाते। चाय तो नहीं है ये कहवा, ये स्पेशल टी है कश्मीर का। बर्फ में अभी जहाँ यहाँ बैठा हूँ ये है आपका पहलगाम कन्वेंशन सेंटर एंड जो पहलगाम के बीचों बीच में पड़ता है। तो आपको कभी मौका मिले तो आप भी यहाँ भी आइए, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ काफ़ी जगह है जो एक्सप्लोर करने लायक है। अब मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ से जल्दी जल्दी चाय पी के खाना खा के फिर हम आगे की ओर जाए और हम इस जगह पे एक्सप्लोर करें पहलगाम को आपके साथ। पहाड़ों में बर्फ देखो आप एंड दिस मेस्मराइजिंग व्यू ऑफ पहलगाम।
आवाज़ ये है यहाँ का व्यू पहलगाम का. एंड मेरे लंच हो चुकी है एंड थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ जगह दिखाऊँ. एंड ये देखो धूप. है ना ब्यूटीफुल जगह.